हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम मैं ऑफिस से निकलने ही वाला हूँ। मैं अपना काम पूरा करने ही वाला हूँ। मैं वहाँ आने ही वाला हूँ। अंडे उबलने ही वाले हैं। हम खाना खाने ही वाले हैं। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हियर द लास्ट वर्ड ही वाला हूँ इज कॉमनली यूज इन एवरी सेंटेंसेस। सो द स्ट्रक्चर फॉर दीज वर्ड विल बी अबाउट टू। लेट्स सी द रूल फॉर दीज sentences. First of all, we use subject, then helping verb, then about to, then verb ki first form, and after that other word. Let's see with the help of example. Main ghar pahunchne hi wala hu. I am about to reach home. Main office se nikalne hi wala hu. I am about to leave the office. These sentences can use easily in our day to day life. Let's see more examples. मैं अपना काम पूरा करने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू फिनिश माई वर्क। मैं वहाँ आने वाला ही हूँ। आई एम अबाउट टू कम देयर। वह कुछ कहने ही वाला है। ही इज अबाउट टू से समथिंग। हम सब्जियाँ काटने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू कट द वेजिटेबल्स। लेट्स प्रैक्टिस अगेन। आई एम अबाउट टू फिनिश माई वर्क। आई एम अबाउट टू कम देयर। ही इज अबाउट टू से समथिंग। वी आर अबाउट टू कट द वेजिटेबल्स। जस्ट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू बिल्ड अप योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, बिकॉज जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। एंड लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ट्रेन निकलने ही वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। वह तैयार होने ही वाला है। ही इज अबाउट टू गेट रेडी। अंडे उबलने ही वाले हैं। एग्स आर अबाउट टू बॉयल। चाय बनने ही वाली है। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हर घर में यूज होता है। आज हम इसको इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं। द टी इज अबाउट टू बी रेडी। क्या है? द टी इज अबाउट टू बी रेडी। जब भी कोई मेहमान जाने वाला होता है तो हम बोलते हैं कि अरे अरे रुकिए, चाय बनने ही वाली है। तो देन आप कह सकते हैं कि टी इज अबाउट टू रेडी। नेक्स्ट सेंटेंसेज आर, हम खाना खाने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू हैव फूड। मेरे पापा यहाँ आने ही वाले हैं। माई फादर इज अबाउट टू कम हियर। हम मूवी देखने जाने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू गो टू वॉच द मूवी। मेरी बहन बाजार जाने ही वाली है। माई सिस्टर इज अबाउट टू गो टू द मार्केट। एंड इसके साथ ही होप सो आप सबने अबाउट टू फ्रेज को बहुत अच्छे से मास्टरी कर ली होगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें। वेल, चेक कर लेते हैं आप लोगों ने अबाउट टू को अच्छे से समझा या नहीं समझा। तो स्क्रीन पर दो सेंटेंसेज आपको दिख रहे हैं। इन दोनों को ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट यू आर अबाउट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट टू बी टिल द एंड ऑफ द वीडियो।